मैनेजर साहब को आपको वजाहत कर दी कि क्या होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, क्या सिचुएशन थी, क्या हालात थे। तो इस वजह से जो है हम कोशिश करते हैं कि हम इनके साथ फिर वही जी तब डेवलप होगा कि फिर टूरिज्म यहाँ डेवलप हो जाए और इंशाल्लाह हम करीब डेवलप होगा। हनीमून होटल जो बेहतरीन होटल था, जिस लोग कह रहे थे कि सफाती सीमेंट के, वो सफाती से नहीं मिले, उसके कुछ रूम्स गए ऐसा ही है ना। हमारा तकरीबन 20% जो है वो डैमेज हुआ है और 75% बिल्डिंग जो है वो अपनी जगह पे खड़ी है, क्योंकि वो 3 स्टेप में बनी हुई थी, एक स्टेप गिरा है और 2 स्टेप जो है वो अपनी जगह पे है। 75 रूम जो है न्यू हनीमून में वो मतलब के कारामद है और बिल्कुल सही अपनी हालत में। उसके अलावा एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, वो ये कि यहाँ पे जितने भी होटल इंडस्ट्री है उनसे, मालिकान से मेरा खसूसी ये जो है एक रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि खुददारा में आप जो है, ठीक है अभी तक हमने पैसे कमाए हैं, हम यहाँ पे जो है बिज़नेस किया है, तो अभी जो है हमारे पास जो एम्प्लॉयर है, जो लोग काम करते थे, अभी बुरा वक्त आया, तो हमें चाहिए कि हम उनके साथ भी जो है ना कुछ ताउन करें। ऐसा नहीं है कि हम सब लोगों को फारिग कर दें और वो अपने घरों पे बैठे और कई ख़ानदानों के जो है ना वो चूल्हे बुझ जाए। तो लिहाजा मैं जो है तमाम होटल इंडस्ट्री से ये रिक्वेस्ट करूँगा, स्वात होटल इंडस्ट्री से, क्योंकि पूरे स्वात में जो है ना लोग मुतासर हुए हैं। इससे पहले जो है वो क्या कहते हैं वो जो अफवाह नहीं फैली है या जो था उस वजह से भी, तो लिहाजा ये है कि अपने स्टाफ पे जो है रहम करें। और हमारा तो अल्लाह का फजल है कि हमने, अगर कोई हमारे साथ रहना चाहते हैं, मैंने पूरे स्टाफ को बता दिया, तो उनको हम इंशाल्लाह तनख्वाहें भी देंगे, सब चीज़ें देंगे। अगर कोई अपनी मर्ज़ी से जाना चाहता है तो उनकी मर्ज़ी है, क्योंकि अल्लाह ताला जब अच्छा वक्त था तो ये लोग हमारे साथ थे, अभी बुरा वक्त है तो इनको हम फारिग कर दें, तो ये बुरी बात है। तो बहुत ज़बरदस्त बात मैनेजर साहब ने कही, तो इन्होंने इस तरह ज़बरदस्त इस तरह कही कि एक एम्प्लॉयज़ है, एम्प्लॉयज़ तो गरीब होते और दूर दराज से आते हैं इन इलाकों में और उनकी मजदूरी करते हैं, इन होटलों से काफ़ी लोगों का रोज़गार वाबस्ता था, इन पार्क की वजह से भी काफ़ी लोगों का रोज़गार वाबस्ता था। अब जबकि वो चीज़ें नहीं रही, तो जो इनके हमारे एम्प्लॉय है और इनके ये जितने होटल एसोसिएशन के एम्प्लॉय है, अब उनके साथ ओनर्स को भी और जो NGO है, जो लोग हेल्प करना चाहते हैं, जो आना चाहते हैं पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से, यानी के पी के से, कहीं से भी कई, तो वो एम्प्लॉय के लिए भी खसूसी एक पैकेज रखे कि यहाँ पे कितने एम्प्लॉय थे, कितने मुलाजिम थे, कितने लोग थे, तो किस किस पोस्ट पे थे, ताकि उन लोगों तक भी वो पहुँचे। और यहाँ लोकल लोगों की का भी ख्याल रखें, हक बनता है कि ये अच्छी एरिया है और टूरिज्म की एरिया है। बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच मैनेजर साहब, थैंक यू।